श्री सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में भांग उखाड़ो अभियान का कार्यक्रम किया गया। अभियान के अंतर्गत स्कूल के आसपास व रेलवे लाइन के आसपास भांग के पौधों को उखाड़ा गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं सहित स्कूल के अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत स्कूल के आसपास व रेलवे लाइन के आसपास भांग के पौधों को उखाड़ा गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं सहित स्कूल के अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्कूल के अध्यापक भारती ने बताया कि आजकल नशे की समस्या बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी है। आज नशे की समस्या बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे युवा से लेकर हमारे बुजुर्ग तक सब नशे में लिप्त हैं। नशा लोगों को इस तरह से जकड़ चुका है कि लोगों ने नशे के पीछे अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया है। अधिकतर लोग नशे को इतना महत्व देते हैं जैसे शराब है, और ज्यादातर देखने में भी मिलता है कि आजकल के नवयुवक नशे में पकड़े गए हैं। नवयुवक अधिकतर इस नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो पढ़ाई से या समाज में जो उनका दायित्व है उससे भी दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी परिवार से ही शुरू होती है। परिवार इस मामले में आगे आए ताकि इस समस्या से अपने बच्चे को निकाला जा सके। दूसरी ड्यूटी आती है समाज की। अगर समाज में इस तरह का कोई भी कुकर्म हो रहा है या नशे को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो उसमें सभी को मिलकर कैसे निपटा जाए, और जितने भी नवयुवक हैं वो भी इस नशे से दूर रहे। हमारे समाज में इस नशे की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं परिवार, समाज और देश अगर मिलकर इस चीज को खत्म करने के लिए आगे आए और इससे निपटने के लिए सहयोग दे तो नशे की समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। आजकल जो है नशे की समस्या जो है बहुत ही गुण धारण कर चुकी है। आजकल जो है आज के समय में समस्या जो है नशे की जो समस्या है जो बहुत बड़ी है। आज हमारे जो नवयुवक हैं, जितने भी युवा हैं, युवा से लेके बच्चे से लेके और बुढ़ापे तक जितने भी लोग हैं सब वो नशे में ही धुत आपको मिलेंगे। तो नशा जो है लोगों को इस तरह से जकड़ चुका है, इस तरह का से लोग जो है वो नशे में घिर चुके हैं कि उन्होंने अपने जीवन ही बर्बाद कर लिया है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो नशे में को इतना प्रेफर करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे शराब है, जब देखने आए दिन देखा अखबारों में भी हमें देखने को मिलता है कि जो आजकल के नवयुवक हैं वो नशे में यहाँ पकड़े गए हैं, और जो नवयुवक हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो एजुकेशन से जब बाकी अपने जितने भी समाज के प्रति उनके दायित्व उनसे दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक परिवार से ही शुरू होती है कि परिवार जो है वो इस चीज़ में सबसे पहले आगे आए ताकि वो अपने बच्चों को इस समस्या से निकाल सके। निशा ने बताया कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाए तो समस्या हमारे अपने घरों से ही शुरू हो रही है। बच्चा पहले नशा अपने घर से सीखता है, फिर वह समाज में जाता है और समाज में नशा सीखता है, और फिर दिन प्रतिदिन वे नशे को आगे बढ़ाता है। इसके लिए पहले घर वालों को नशे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद साबित करना चाहिए कि नशा अच्छी चीज नहीं है, फिर अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए बोलना चाहिए। वैसे कहने को तो कहा जाता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं अनपढ़ हैं, क्योंकि जब भी वो नशीला कोई भी पदार्थ खरीदने जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी इस नशे का सेवन करते हैं और उसको लेते हैं। नशे की लत एक ऐसी लत है जो एक बार लेना तो आसान है पर हटाना बहुत ही मुश्किल है। हम सबको एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि हमारे घर में जो भी नशा करता है हम उनको रोक सकें और उसके बाद अपने समाज को नशा मुक्त समाज बना सकें। नशा आज के समय में जो है वो सबसे बढ़ती हुई समस्या है, पर ये समस्या शुरू कहाँ से हो रही है? देखा जाए तो ये समस्या हमारे घरों से ही शुरू हो रही है। बच्चा पहले नशा अपने घर से सीखता है, फिर वे समाज में जाता है और समाज से नशा सीखता है, और उसके बाद वे दिन प्रतिदिन नशे को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए पहले तो हमें घर वालों को जो है वो नशे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमें खुद को जो है वो एक एग्जाम्पल फिक्स करना चाहिए कि नशा हमारे लिए सही नहीं है और हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तभी हम जो है वो आगे बच्चों को और नई जनसंख्या को जो है वो समझा सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने बताया कि
नशा एक बहुत ही बुरी बुराई है। स्कूल के बच्चों को नशे की बुराई के बारे में अवगत करवाया गया। बच्चों को बताया गया कि नशा किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है और किस तरह से हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए। पीछे प्रशासन ने भी अभियान के तहत इन भांग के पौधों को नष्ट किया था। आज स्कूल के बच्चों व अध्यापकों द्वारा भांग के पौधों को उखाड़ा गया। बच्चों को बताया गया कि जरूरी नहीं है कि नशे का सामान बाजार में ही मिलता है। नशा जो है भांग के सेवन से भी होता है और हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी बुराई है और आज हमने स्कूल के बच्चों को नशे की बुराई के बारे में अवगत करवाया गया। बच्चों को बताया गया कि नशा जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से जो है वो हानिकारक है और किस प्रकार से जो है वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो बर्बाद कर देता है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए। बहुत सारा नशे का सामान जो है वो हमारे घर के आसपास भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि नशे में जो है वो कैप्सूल या और विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन को ही हम जो है वो नशे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसा सामान है या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे भी जो है वो लोग जो है वो नशे का शिकार हो गए हैं। जैसे आजकल अभी जो समय चला हुआ है, अभी जैसे भांग के पौधे जो हैं जो बहुत अधिक संख्या में हमारे हिमाचल में या हमारे इस एरिया में हैं, तो पीछे भी पंचायतों ने भी या हमारे जो है प्रशासन ने भी इसको भांग उखाड़ने के लिए जो है वो एक मुहिम चलाई थी। आज हमने भी स्कूल के बच्चों को और अध्यापकों को साथ लेकर हमारे यहाँ पे आसपास जो भांग के पौधे उगे हुए थे और बच्चों को जो है वो साथ लेकर अध्यापकों को साथ लेकर उन भांग के पौधों को उखाड़ा गया है और साथ में बच्चों को ये बताया गया है कि नशे ज़रूरी नहीं है कि नशे का सामान जो है वो दुकानों के ऊपर ही मिलता है, लेकिन नशा जो है ये भांग से भी एक बहुत जो है वो एक नशा जो है वो नशे का सेवन करते हैं भांग का भी। तो ये चीज़ें स्कूल